हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी टिप्स विद सना खान। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब के बाजू में बेल आइकन आती है, उसे भी प्रेस कर दो। आपके फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मेरे वीडियो शेयर करो। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ उबटन। ये उबटन फेयरनेस और ग्लोइंग स्किन के लिए है। हमारे स्किन को ग्लो करता है, स्मूथ करता है, हेल्दी स्किन बनाता है, स्किन को ब्राइटन करता है, फेयरनेस करता है स्किन में। स्किन में जितने भी स्पॉट्स है, डार्क सर्कल्स है, पिगमेंटेशन है, सन टैन है, उस सब को रिमूव करता है। तो आइए इसे बनाने का तरीका देखते हैं और इसे इसे किस किस इंग्रेडिएंट से बनाते हैं देखते हैं। तो आइए, यहाँ पर है बेसन, उसके बाद में ले रही हूँ मैं कच्चा दूध, उसके बाद में ले रही हूँ हल्दी यानी कि टर्मरिक और विटामिन ई का कैप्सूल। अगर आपके पास विटामिन ई नहीं है तो आप आलमंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, बादाम का तेल भी। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 टेबल स्पून ऑफ उबटन। यहाँ पर मैं सिर्फ फेस के लिए यूज़ कर रही हूँ। आप ये उबटन फेस और पूरी बॉडी के लिए यूज़ कर सकते हो, इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। और 1/2 टेबल स्पून ऑफ टर्मरिक, ये पूरे स्किन हर स्किन टाइप के लोग यूज़ कर सकते हो, लाइक ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, ड्राई स्किन, सेंसिटिव स्किन, नॉर्मल स्किन, हर स्किन टाइप वाले यूज़ कर सकते हो ये उबटन। और ये उबटन आप वीकली थ्राइस यूज़ करिए बेस्ट रिजल्ट्स के लिए। अब मैं विटामिन ई का कैप्सूल ले रही हूँ। ये आप एक की जगह दो भी ले सकते हो, 2 कैप्सूल्स भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद में आप यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ रॉ मिल्क यानी के कच्चा दूध। पहले मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर लेती हूँ कच्चा दूध। देखिए, अब इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अगर ये आपको थिकनेस के, आप जैसा थिकनेस यूज़ करना चाह रहे उस तरीके से आप मिक्स कर लीजिए। ये थोड़ा लिक्विड ही हो गया है आई थिंक, तो इसमें मैं थोड़ा बेसन भी ऐड कर लेती हूँ। या अगर आप लिक्विड ही यूज़ करना चाह रहे तो वैसे भी यूज़ कर सकते हो आप। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मेरे को थोड़ा थिक पेस्ट चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ पर थोड़ा बेसन ले रही हूँ। देखिए, अब इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। कितना अच्छा ग्लोइंग उबटन, देखने में ही कितना ग्लोइंग इफेक्ट दे रहा है ये उबटन। तो आप लगा कर ट्राई कर आप ज़रूर वापस मेरे कमेंट सेक्शन में आके बोल सकते हो कि ये उबटन आपके लिए कितना इफेक्ट, मतलब कितना इफेक्टिवली वर्क करा है। अब मैं इसे अपने हाथों पर लगा कर दिखा रही हूँ। देखिए, आप ये फुल बॉडी पर एक 10 मिनट्स के लिए मसाज करके वॉश ऑफ कर सकते हो। इसे अच्छे से पूरे बॉडी पर, फेस पर, नेक पर, जहाँ पर भी डार्क एरियाज है आपके स्पेशली, वहाँ पर अच्छे से लगा कर इसे मसाज करिए। बेसन हमारे स्किन के लिए तो बहुत अच्छा माना जाता है। रॉ मिल्क हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करता है। आलमंड ऑयल या फिर विटामिन ई ऑयल भी बहुत स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं हमारे। टर्मरिक ग्लोइंग देता है। बहुत अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं। देखिए, इसे इस तरह से सर्कुलर मोशन में मूव करते हुए, रब करते हुए पूरे स्किन पर, पूरे फुल बॉडी पर आप मसाज करिए एक 10 मिनट्स के लिए। अब इसके बाद में वॉश ऑफ कर सकते हो आप। मैं यहाँ पर अच्छे से 10 मिनट्स के लिए मेरे पूरे हैंड पर मसाज कर रही हूँ। इसके बाद में इसे अब वॉश ऑफ करके आती हूँ।
देखिए मैं अब यहाँ पर वॉश ऑफ करके आ गई हूँ। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, आपके फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बाजू में बेल आइकन आती है उसे भी प्रेस करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अल्लाह हाफिज़।